Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Khushbu and I am a second year undergraduate student of IT Gandhinagar and my department is Material Science and Engineering. So in this video, हम लोग कुछ ऐसे points के बारे में बात करने वाले हैं जो JEE Mains के अंदर तुम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है because कुछ ऐसे सीरी सीरी पॉइंट्स होते हैं ना जिनकी वजह से ऐसे रिग्रेट होता है कि हाँ अगर वो अटेम्प्ट में ये चीज ध्यान रहती तो शायद अच्छा होता और तुम्हारे अभी लिमिटेड अटेम्प्ट ही है, शायद दो ही अटेम्प्ट है तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो तो अच्छा रहेगा। तो मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली तो पूरी देखना वीडियो चाहे 2x पे देखो बट सारे पॉइंट्स अच्छे से देखना प्लीज। तो जो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो है स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये जो पॉइंट है स्पेशली 11th वालों के लिए है कि अगर तुम 11th पे हो तो अपने बैकलॉग क्लियर बिल्कुल मत होने देना और अगर तुम 12th में हो अगर तुम्हारे बैकलॉग बन भी गए तो उसे अपने टाइम टेबल में उसको कैसे जैसे जैसे करके तो छोटे छोटे बैकलॉग है तो उनको कम्प्लीट कर लो। स्टेट टाइम तुम्हारा रिविजन का है बट अगर तुमको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है तो उनको कवर कर लो JEE Mains के अंदर क्योंकि JEE Mains के अंदर वैसे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो फिर भी अगर तुम ऐसा है तो अपने बैकलॉग मतलब बेसिकली क्लियर कर लो और अगर 11th में हो तो बनने ही मत दो बैकलॉग, अभी भी थोड़े बहुत बैकलॉग बनोगे बिकॉज अभी तो स्टार्ट ही हुआ था तो अभी क्लियर कर लो सारे के सारे बिकॉज 11th बेस है 12th का। 12th के अंदर काफी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो 11th के लगते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम मतलब करनी है हमको तो कौन सी बुक लेनी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो ये सारी चीज इस बुक के अंदर अच्छे से है। उस साल की बुक है मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की तुमको मिल जाएगी अच्छे से। तो इस बुक के अंदर तुमको इतने सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे ना लाइक तुम्हारा 2023 के जो भी जितने भी शिफ्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स थे तुमको इसके अंदर अच्छे से मिल जाएंगे। ऑल्सो तुमको इसके अंदर एक्सपर्ट टिप्स मिल जाएंगे जो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में JEE Mains अच्छे से क्लियर हो सकता है। ऑल्सो तुमको ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज तुमको ट्रेंड एनालाइज करना कि लास्ट ईयर के अंदर किस चैप्टर के अंदर कितने वेटेज आ रहा था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि तुम उस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर पाओ, ठीक है। ऑल्सो इसके अंदर तुमको माइंड मैप्स न्यूमोनिक्स मिल जाएंगे रिवाइज करने के लिए बिकॉज रिविजन के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए होती है जिसमें चैप्टर फटाफट से समराइज हो जाए, मेन मेन पॉइंट्स अच्छे से हो जाते हैं उसके अंदर अच्छे से है। तो जाओ जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जल्दी से बाय करो फटाफट से, इसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन है जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से अपना फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करो। सो जो सेकंड पॉइंट पे जाते हैं हम कि प्रायोरिटाइज एंड प्लान, अपने जो भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करो कि कौन सा चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट उनको पहले करना है बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर जैसे टाइम कम लगता है तो उसमें तुमको बस मतलब पढ़ना होता है कुछ कुछ चीजें याद रखनी होती है इसलिए मैथ्स के अंदर तुमको प्रैक्टिस बहुत मांगता है फिर इसके अंदर प्रैक्टिस बहुत लगती है। तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया बस उसको पढ़ो और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस क्योंकि उसके अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं तो मतलब केमिस्ट्री के अंदर ऐसे बैकलॉग क्रिएट करना है फिर लास्ट टाइम मतलब जिसकी लास्ट 10 दिन बच जाए कुछ ऐसे तो उसके अंदर JEE Mains के अंदर बहुत ईजी होता है केमिस्ट्री से स्कोर लाना। जैसे कि तुम अब सपोज 10 डेज पहले JEE Mains से मैथ्स या फिजिक्स का कोई ऐसा टॉपिक लेकर बैठोगे तो उसकी तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत होगी तो तुम्हें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और उसी चीज के अंदर केमिस्ट्री में लो तो जल्दी से फटाफट से कम्प्लीट हो सकता है। तो ऐसे प्रायोरिटाइज करो अपने डे को प्लान करो कि आज इतना इतना कवर करना ही है अच्छे से और रिविजन के लिए टाइम रखो बिकॉज रिविजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भी थर्ड पॉइंट पे जाते हैं कि फॉर्मुलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मुले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना बिकॉज केमिस्ट उसमें JEE Mains के अंदर डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लिटरली तुमको एक फॉर्मुला होगा बस सारी वैल्यूज दे रखी होगी बस फॉर्मुला पुट करना और आंसर आ जाता है ऐसे। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो बस फॉर्मुला रिवाइज कर लो अच्छे से याद कर लो क्योंकि काफी क्वेश्चन हमारे उससे हो जाते हैं क्योंकि JEE Mains के अंदर मेनली तुम्हारा एनसीईआरटी में से ही होता है बट जैसे कि फिजिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि हाँ डिफिकल्ट है फॉर्मूला लो फॉर्मूला याद करो बस उसको कर लो उसके अंदर फॉर्मूला वैल्यूज पुट करके हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने वाले होते हैं कि फॉर्मूला याद कर लो। तो भी फटाफट से हम फोर्थ पे जाते हैं राइट स्टडी मटेरियल चूज करना बिकॉज ऐसा होता है ना कि हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो ये बुक चाहिए वो बुक चाहिए तो इसलिए ना अगर कोई भी तुम बुक ले रहे हो तो उसमें देख मेक श्योर कि उसके अंदर जो भी आंसर शीट्स है वो हमारी करेक्ट हो बिकॉज काफी ऐसे आंसर शीट्स होते हैं कुछ उस वाली बुक के अंदर कुछ और आंसर होता है दूसरी बुक के अंदर कुछ और आंसर होता है तो अच्छे से जो तुम्हारे टीचर तुमको बोल रहे हैं कि हाँ पर टीचर के अलावा भी एक बार टैली कर लेना कि वो बुक सही है या नहीं है, ठीक है। तो फिफ्थ को हम पॉइंट पे जाते हैं कि प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस बिकॉज तुम जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन तुम्हारे लिए अच्छा होगा बिकॉज क्या होता है ना केमिस्ट्री है जैसे कि फिजिक्स है मैथ्स है तुम थ्योरी पढ़ ली तुमने डेरिवेशन कर ली ये सब कर लिया बट जो JEE Mains में क्वेश्चन आने वाले वो क्या होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो तुमको क्या चाहिए होगा उसके जैसे प्रैक्टिस करनी होगी ना तो
जैसे कि कोई बुक है, अली हद की बुक है या फिर कोई भी ऐसी बुक है जिसके अंदर तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें ना जेईई मेंस के अंदर वो तुमको ना ऑप्शन ऐसे दे के रखेंगे जिससे तुम कंफ्यूज हो। तो ऐसा अगर तुम प्रैक्टिस करो तो तुमको पता रहेगा कि हाँ कौन सा आंसर करेक्ट है, तो ईजी होगा ऐसा करना। और पी वाई क्यूज भी करो, बिकॉज पी वाई क्यूज करने का एक वो रहता है फायदा कि पी वाई क्यूज करते हो तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन किया तो नेक्स्ट ईयर भी रिलेटेड ही आएगा तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो अभी जाएंगे आप सिक्स पे, रिविजन जो कि है, रिविजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज इलेवन ट्वेल्थ दोनों आती है जेईई मेंस के अंदर। बट अगर तुम जैसे कि इलेवेंथ का अभी तुम ट्वेल्थ में आ गए, इलेवेंथ को तुमने कब पढ़ा था, तुमको उसको टाइमली रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज भूल जाते हैं नहीं आ जाएगा, तो उसको मतलब ऐसे टाइमली रिवाइज करते जाओ ताकि पहले का ना भूलो, ठीक है। अभी तुम इलेवन ट्वेल्थ में आ गए, इलेवन ट्वेल्थ का रिविजन मतलब ट्वेल्थ के साथ तुम ट्वेल्थ का ही पढ़ोगे ना, तो जैसे कि जो इलेवेंथ का था वो तुम भूल जाओगे। तो क्या करो ना, ट्वेल्थ का जब टाइम टेबल तुम्हारा बना रहे हो, तुम डेली का टाइम टेबल बना रहे हो, जैसे कि 10 बजे तक तुम्हारा टाइम टेबल है, तो ऐसे 1 घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो, एक रिविजन के लिए रख लो और बैकलॉग के लिए भी रख लो, ठीक है। जैसे रिविजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हें चीजें याद रहे, जो तुम्हारे फॉर्मुलेज है या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी वाला कुछ है केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर, वो याद रहे। सेवेंथ है ट्रैक योर प्रोग्रेस, तुम जितना प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए, कितने पीवाईक्यूज हो गए, कितने सैंपल पेपर हो गए, कितने मॉक टेस्ट हो गए, ये तुम एनालाइज करो अच्छे से कि तुमने कितना कितना कंप्लीट कर लिया। डेली अपने जो भी टारगेट होते हैं फिर टिक मार्क करो कि आज हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो लास्ट है बी मोटिवेटेड, बिल्कुल डीमोटिवेट तो मत होना, मोटिवेट रहो, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करो, कॉन्फिडेंस मिलेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वीडियो में ठीक है बहुत ज्यादा बोला है, तो अवॉइड दिस। तो ये जो चीजें थी ना, ये जो पॉइंट्स बताया मैंने आपको, ये पूरे अच्छे से मतलब ऐसे दिमाग में अच्छे से रखना, फॉर्मूलाज याद करना, बैकलॉग मत होने देना, रिविजन करते जाना, ठीक है। तो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे निकलेगा ना जेईई मेंस, तो बेस्ट ऑफ लक गाइज। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा मैंने ट्राई किया था कि ना रखूं, अगर वीडियो फिर भी तुम्हें लंबा लग रहा है तो प्लीज टू बैक्स पे देखना, क्योंकि आई नो तुमको अभी टाइम लिमिटेड है, तुमको रिविजन करना है, तुम बहुत सारा काम है, आई नो। बट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी कि हाँ ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से याद रखो। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे प्लीज पे वीडियो बना दो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे बना दो, 2025 वाली स्ट्रेटजीज बता दो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बिकॉज अभी अकेडमिक थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे, तो मैं ट्राई कर रही हूँ वीडियोज अच्छे से, ट्राई कर रही हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं वीडियोज क्लियर करूँ, क्योंकि वीकेंड्स ही मिलते हैं, वीकेंड पे असाइनमेंट्स भी करने होते हैं, वीकेंड्स पे हम लोगों को और मेरे को वीडियो भी बनानी होती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वीकडेज पे तो क्लासेस इतनी होती है, पी होता है, तो और जो टाइम नहीं मिल पाता, फिर वीडियोज के लिए मेरे को थोड़ा सा सर्च भी मारना पड़ता है कि क्या क्या है, तो थोड़ा सा अच्छे से टाइम नहीं मिल पाता। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। और जो अगर तुमको कोई वीडियो चाहिए पर्टिकुलर कि हाँ इस मतलब सब्जेक्ट के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि उनमें से मार्क्स आते हैं, उनके अंदर क्वेश्चन पर्टिकुलर आता ही है, लाइक मैथ्स के अंदर एक है मैथमेटिक रीजनिंग, उसके अंदर से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन, हर अटेम्प्ट में लाइक हर शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है, और उसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसे याद रखने का बहुत इजी सा है। जैसे अगर कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए, उनका मुझे बताना, अगर तुमको चाहिए वीडियो तो आई शेयर द वीडियो, तो मैं जल्दी से ट्राई करूंगी बनाऊं वीडियो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तुमने बोला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ का बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो बनाने में, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आउटसाइड का है तो तुम्हें कोई चाहिए होगा तो मेरे वीडियो शूट भी कर ले, तो एट आई एम बेस्ट की हो जाए वीडियो। ऑल्सो जो भी स्ट्रेटेजी वीडियो ये आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मैं ट्राई करती हूँ जल्दी से वीडियो आते रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक है, जल्दी से जाके बाय करो, इसमें बहुत बेनिफिट्स है गाइस, बाय।